यूट्यूब पेज चैनल में हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो सभी को दीपावली और भैया दूज की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस शुभ अवसर पे मेरी यही कामना होगी सभी से कि जल्द से जल्द आप लोग भावी शिक्षक बने। और जिस प्रकार से लंबे समय से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अड़चन में पड़ी हुई है, तो जल्द से जल्द ये बहाली की प्रक्रिया भी संपन्न हो और आप लोग जल्द से जल्द शिक्षक के पद के लिए नियुक्ति पाएँ। किसी भी राज्य की कोई भी शिक्षक जगह से संबंधित खबर होती है, हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में देखिए, एक अच्छी खबर आ रही है कि एक तो आपको दीपावली पे बहुत अच्छी खबर जो देखने को मिली है वो है कि भाई जो भी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, कैंप के माध्यम से जो है कहा गया है कि बहाली की प्रक्रिया को जो है वो संपन्न कराया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर कैंप के माध्यम से जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसमें जो है अधिक से अधिक लाभ मिलेगा बिहार के अभ्यर्थियों को, ठीक है। कई सारी बातें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से करना है, तो चलिए पहले आज की अपडेट की ओर हम फोकस करते हैं। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कल शिक्षा विभाग की ओर से भी एक महत्वपूर्ण जो लेटर है वो जारी किया गया था और लेटर के माध्यम से कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन किया गया है। और उसमें भी जो मेन मुद्दा है वो शिक्षक बहाली का ही मुद्दा रखा गया है और कहा गया है कि जो मेरिट लिस्ट है वो जल्द से जल्द NIC की वेबसाइट पे जो है वो अपलोड कर दी जाए और 6 to 8 के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाए, ठीक है। 28 तारीख की डेट दी गई है मेधा सूची के प्रकाशन के लिए, ठीक है। तो चलिए आज की खबर की ओर हम रुख करते हैं। इसमें पहली खबर ये सामने उभर के आ रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, सचिवालय से मिल रही है जानकारी 51,112 पदों पर भर्ती की कवायद शुरू की जा सकती है, ठीक है। 51,112 पदों पर भर्ती की कवायद जो है वो शुरू की जा सकती है, ये सचिवालय से खबर आ रही है, ठीक है। 37,000 जो शेष 69K का बचा है उसको पूरा करना है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दोस्तों दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके, तो देखिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें कहा गया है कि सचिवालय से जो है वो खबर आ रही है कि जल्द से जल्द जो है ये कवायद जो है वो तेज होने जा रही है शिक्षक नियुक्ति की। तो ऐसे में जिन लोगों ने भी BEd किया है और जो भी TET और CET पास हैं उन शिक्षकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है, ठीक है। देखिए लिखा है यहाँ पे, सरकार की पूरी मंशा है चुनाव से पहले भर्ती फाइनल करने की। तो UP से ये अपडेट आ रही है सामने उभर की, सचिवालय से जो जानकारी है उसमें लिखा गया है कि 51,112 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती, 37,000 जो शेष पद हैं उनको पहले भरा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या अपडेट है। दूसरी खबर जो है ये शिक्षा जगत के लिए मायूस करने वाली खबर है और शिक्षकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर के माध्यम से एक बात तो क्लियर ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं शिक्षक बनना अभिशाप हो गया है। जिस प्रकार से GT की चाल जो है शिक्षा विभाग की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, हम किसी भी राज्य की बात करें शिक्षक भर्तियों में बड़े बड़े घोटाले जो है वो देखने को मिले हैं। ऐसे में जैसा कि आपको स्क्रीन पे दोस्तों दिखाई दे रहा है इसमें लिखा है कि 57 की उम्र में TGT का इंटरव्यू देने पहुँचे दीनानाथ। अब आप देख सकते हैं कि 60 साल की उम्र में भी अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल रही है और दर दर की ठोकरें खाने के लिए
जो है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मंगलवार से प्रतिष्ठित स्नातक के लिए 16 हिंदी विषय के साथ छात्राचार शुरू हुए। पहले दिन के आकर्षण का केंद्र 57 साल के दीनानाथ रहे, जो शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार देने पहुंचे थे। कुर्ता पायजामा और सदरी पहने दीनानाथ इंटरव्यू बोर्ड का सामना करने के बाद जब बाहर निकले तो दूसरे प्रतियोगी छात्रों ने उन्हें घेर लिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितने बुजुर्ग हैं ये, और बुढ़ापे में जबकि आदमी रिटायरमेंट होकर घर आ जाता है, ऐसे टाइम पे देखिए इंटरव्यू देने गए थे ये। देखिए लिखा है, सब उनसे जानना चाह रहे थे कि साक्षात्कार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। उन्होंने बताया कि विषय विशेषज्ञों ने पसंदीदा कवि काव्यशास्त्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछे थे। यहाँ तो कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, यानी सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल तक अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। टीटी के साक्षात्कार 10 नवंबर से 16 नवंबर तक, जबकि 6 नवंबर से शुरू हुए थे प्रवक्ता पीजीटी के साक्षात्कार। देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जो टीजीटी का जो भी इंटरव्यू जो प्रारंभ हुआ था वो 10 नवंबर से शुरू हुआ था, 16 दिसंबर तक ये चलने वाला है। तो ये काफ़ी झकझोरने वाली खबर है, आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मंगलवार को चयन बोर्ड में दीनानाथ तिवारी 57 वर्ष की अवस्था में साक्षात्कार देने पहुँचे थे। नौकरी की ललक पेशी हिंदी 16 के साक्षात्कार के आकर्षण का केंद्र रहा। 16 दिसंबर तक चलेंगे प्रशिक्षित स्नातक के 4,337 के साक्षात्कार। देखिए लिखा है, पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। टीजीटी के 4,337 और पीजीटी के 870 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया है, देख सकते हैं आप। तो बहुत ही मायूस करने वाली खबर है कि बुढ़ापे में लोग परीक्षा देने जा रहे हैं। तीसरी खबर की ओर हम रुख करते हैं, 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों के बहाली के लिए अंतिम मेरिट लिस्ट जो है 9 दिसंबर तक होगी तैयार। तो ये भी एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की जो बहाली के लिए फाइनल मेधा सूची है वह 9 दिसंबर को जो है वो जारी की जाएगी। और लिखा है, इस संबंध में सभी जिलों के डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों को फाइनल सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने शुक्रवार को सभी डीओ और डीपीओ स्थापना को पत्र भेजा है। तो देख सकते हैं 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, बहाली की प्रक्रिया है, बहाली के लिए जो अंतिम मेरिट लिस्ट बनने जा रही है वो 9 दिसंबर तक होगी तैयार, ठीक है। और देखिए लिखा है, 28 नवंबर तक पंचायती राज और नगर निकायों की नियोजन इकाइयों को मेधा सूची जिले के NIC की वेबसाइट पर प्रकाशित कराएं। 5 दिसंबर तक अभ्यर्थियों से आपत्ति ले लेना है। 9 दिसंबर को फाइनल सूची प्रकाशित करने के लिए कहा गया है। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक अभ्यर्थियों की मेधा सूची 25 नवंबर तक NIC की पोर्टल पर अपलोड करना है। तो देख सकते हैं, कहा गया है कि 9 दिसंबर को जो है अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी शिक्षक बहाली की, और 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में की जानी है बहाली। 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में जो है 90,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भाई बहुत बड़ी अपडेट है। तो पल पल ही खबर में दोस्तों जुड़े रहिए, जो भी अपडेट आएगी हम सीधे पहुंचाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।